हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाय एजुकेशन। आज हम करेंगे ग्रेड थ्री की मैरीगोल्ड बुक का यूनिट फाइव की पोयम फाइव द बैलून मैन के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। रीडिंग इज वन, वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड। बैलून मैन कहाँ खड़ा था? द बैलून मैन स्टैंड्स एट द मार्केट स्क्वायर। वो जो है मार्केट स्क्वायर पे खड़ा था। व्हाट हैपेंस टू द बैलून्स व्हेन देयर इज अ विंड। जब हवा चल रही होती है तो बैलून्स के साथ क्या होता है? व्हेन देयर इज अ विंड The balloon tugs a lot of time. अब डोरी से बंधे हुए बैलून जब हवा चलती है तो आपस में उलझ जाते हैं। What does the child like to see the balloon man do? अब वो जो बच्चा था वो बैलून मैन को क्या करते देखना चाहता था? The child likes to see that someday the balloon man will let go all of the balloons. वो ये सोचता है कि एक दिन ये जो बैलून मैन है यानी गुब्बारे वाला जो है वो सारे गुब्बारों को अपने उड़ा देगा। Then the balloons will fly high in the sky. And child would see them from below. और फिर जो balloons हैं, वो आसमान में ऊंचे उड़ेंगे और बच्चे जो हैं, उसको वो नीचे से देखकर खुश होगा। Talk time. How high can balloons fly? अब जो balloon है, कितना ऊंचा उड़ सकता है? तो balloon can fly very high. It depends all on the wind. जितनी तेज हवा चल रही होगी, balloon उसी हिसाब से उतना ऊंचा और उतना दूर जाएगा। What do you like about this poem? अब इस poem में आपको क्या अच्छा लगा? I love watching the colorful balloons fly. The child in the poem also likes watching the color balloons just like me. जैसे मुझे जो है और रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ता हुआ देखना पसंद है, same way poem के अंदर जो बच्चा है उसे भी यही चीज पसंद है। इसी वजह से मुझे ये poem बहुत अच्छी लगी। Word building. Identify the words from the jumbled letters and write the words in the space provided. अब आपको ये जो words दिए हैं इनको पहचानना है और correct words को लिखना है। तो फर्स्ट वर्ड है balloons, दूसरा ब्लू, तीसरा बिलो, फोर्थ है लंच, फिफ्थ पीपल और फिफ्थ सिक्स्थ है कार्ट। फिर है पुट द वर्ड्स इन द गिवन बॉक्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। नेचर में क्या क्या आता है? विंड, स्काई, इवन ग्रास भी है, लेकिन थर्ड ऑप्शन नहीं दिया था। आप चाहें तो ग्रास भी लिख सकते हैं। फूड, फूड में क्या आएगा? राइस, पाइनएप्पल और टर्निप। टर्निप के लिए भी थर्ड ऑप्शन है, लिख सकते हैं। कलर्स, कलर्स में आपको कौन कौन से दिए हैं? पर्पल, येलो और ग्रीन। हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मेज? राइट देयर नेम्स बिलो। अब इस मेज में बहुत सारे कलर्स के नाम छिपे हैं, आपको ढूंढने हैं। जो जो मिलते जाए उनके नाम आपको नीचे लिखने हैं। हमें जो मिले हमने वो लिखे, आप अपने आप ट्राई करिए, जो आपको मिले आप उसे लिखिएगा। व्हाइट, ब्लैक, पिंक, पर्पल, ब्लू एंड येलो। अब है फिल इन द ब्लैंक्स इन द बैलून्स विद देयर ऑपोजिट्स। आपको ऑपोजिट वर्ड से फिल करना है। नेवर, ऑलवेज, स्मॉल, बिग, रेनी, ड्राई, लो, हाई, सिट, स्टैंड, नियर, फार। फाइनली है आपका सेगमेंट से अलाउड। स्ट्रिंग, स्ट्रीम, Strong, stand, sting, still. फिर है hall, hall. Same word, pronunciation में meaning different, spelling different. Might, might. Tail, tail. Sail, sail. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। अच्छी लगी, समझ में आई? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।